और दोस्तों माई सेल्फ डॉक्टर अशोक चौरसिया MD पीडियाट्रिक यानी नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम एक कॉमन टॉपिक, बहुत सारे मदर फादर का एक क्वेरी होता है कि सर हम घर पे बच्चों का कैसे ख्याल रखें। तो बच्चों में कुछ डेंजर साइन होते हैं जिनको पहचानना होता है पेरेंट को, और तुरंत अपने नजदीकी पीडियाट्रिशियन से संपर्क करना होता है। तो सबसे पहला जो डेंजर साइन है वो लिथार्जी। कोई बच्चा बिल्कुल सही से दूध पी रहा था, सारी एक्टिविटी उसकी नॉर्मल थी, और वो पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा लिथार्जी हो गया है, यानी सुस्त हो गया है। ऐसा अगर होता है बच्चा तो उसके कई कारण हो सकते हैं। बच्चा काफ़ी समय से दूध ना पिया हो और उसका शुगर कम हो गया हो, या उसको दिमाग का इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस हो गया हो, या कोई और बॉडी का इन्फेक्शन निमोनिया हो गया हो, कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा। इस कंडीशनों में उसको तुरंत अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। दूसरा इम्पोर्टेंट साइन होता है कन्वल्जन। अगर बच्चे को झटका आ रहा है, बच्चे में कुछ झटके ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, बच्चे क्या करते हैं आंखें उलट लेते हैं, ऊपर की दिशा में एक ही जगह देखते हैं, उसे बोलते हैं अपरोलिंग ऑफ आई, या बच्चे कभी कभी स्टेयरिंग लुक देते हैं, या माउथ के राइन ट्विचिंग होती है, या जीभ बाहर बाहर निकाल रहे हैं बार बार, तो ये एक झटके का लक्षण होता है। प्लस कुछ बच्चे बॉडी को शेक करते हैं, तो डिपेंड करता है कौन से टाइप का सीजर है। तो बॉडी शेक कर रहा है तो हर कोई पहचान जाता है, लेकिन झटके की ये वैरायटी जो सबसे कॉमन होती है स्पेशली नवजात शिशु में, आंखें उलट लेना, मुंह से झाग आना, जीभ को बार बार बाहर निकालना, मुंह के चारों तरफ रिएक्शन होना, ये दूसरा। तो दूसरा जनरल साइन है कन्वल्जन, यानी बच्चे में झटके का आना। तीसरा डेंजर साइन है साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है कि अगर बच्चा आपका बिल्कुल पहले सही था और एकाएक नीला पड़ गया, बच्चा आपका नीला पड़ गया, ये आपको बच्चे को ठंडा पड़ने के कारण हो सकता है, या बच्चे में कोई सांस की समस्या है, या उसको कोई हार्ट से रिलेटेड समस्या है। इन तीन समस्याओं में बच्चा नीला पड़ सकता है। ऐसे सिनेरियो में बच्चे को तुरंत अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें। चौथा डेंजर साइन है जो वो है बच्चे का पीला पड़ना। अगर बच्चा पीला पड़ रहा है, पीला बच्चे में क्या होता है, चेस्ट रीजन में, एब्डोमेन रीजन में नॉर्मली होता है। अगर बच्चा पाम रीजन में भी पीला पड़ जाए, या सोल रीजन में, पाम और सोल में पीला पड़ रहा है, तो ये डेंजर होता है। वो चाहे लाइफ के किसी भी दिन हो, चाहे दूसरे दिन हो, तीसरे दिन, किसी भी, अगर पाम एंड सोल तक ज्वाइंटिस पहुंच गया है, इसमें बहुत हाई चांस होता है कि बच्चे के दिमाग में ज्वाइंटिस जाने का, और बच्चे को झटका आ सकता है और बच्चे को दिमाग भी डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेंजर साइन होता है बच्चे के लिए हाइपोथर्मिया। एक्चुअली हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दोनों ही डेंजर साइन होते हैं, लेकिन हाइपोथर्मिया बच्चे के लिए ज़्यादा डेंजर साइन होता है, स्पेशली इस विंटर सीजन में। इसलिए बच्चे को विंटर सीजन में कम से कम 3 लेयर में कपड़े ढक के रखना है। पहले एक बनियान, उसके ऊपर से एक सूती कपड़ा, उसके ऊपर से एक काटन वूल, और उसके ऊपर से एक आप अच्छे से ढक के कवरिंग करके टोपी, मोजा, हाथ में ग्लव्स और पैर में भी शूज कवर अच्छे से पहना के रखना है। बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाना है। हाइपरथर्मिया अगर बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा, इस कंडीशनों में, दोनों ही कंडीशनों में बच्चे को पहले अच्छे से कपड़े से ढकना है, और उसके बाद भी अगर हाइपोथर्मिया परसिस्ट करता है, स्पेशली अगर एब्डोमेन रीजन भी ठंडा होता है, चेस्ट रीजन भी ठंडा होता है, तो अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेंजर साइन होता है एक्सेसिव वोमिटिंग। अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा है, यहाँ पे वोमिटिंग और रिगर्जिटेशन में डिफरेंस जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, जो दूध पीते हैं उसका 10-15% वो वोमिट कर देते हैं, उसे रिगर्जिटेशन बढ़े। अगर कोई बच्चा 10 ml दूध पी रहा है, यानी वो 2 ml उलट दे रहा है, रिगर्जिटेट कर रहा है, तो ये नॉर्मल है। जितना दूध पीता है उसका 10-15% अगर वोमिट कर रहा है तो ये नॉर्मल है, इसके लिए पेरेंट को परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर बच्चा हर फीड पे वोमिट कर रहा है, बार बार वोमिट कर रहा है, और अमाउंट ज़्यादा है, तो बच्चे में डिहाइड्रेशन हो सकता है, उसको पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। इस कंडीशन में माँ बाप को अलर्ट होना होगा। दूसरा डेंजर साइन है
लूज स्टूल, अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा पतली पोटी कर रहा है, बच्चे में पोटी ज़्यादा कर रहा है, ये नॉर्मल है। एक्चुअली बच्चों में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, जिसके कारण बच्चा जितनी बार दूध पीता है उतनी बार पोटी कर देता है, ये नॉर्मल। लेकिन अगर बच्चे का स्टूल कलर बिल्कुल पानी जैसा नहीं है, नॉर्मल है, तो अगर बच्चा 10 से 12 बार भी एक दिन में पोटी कर रहा है तो वो उसके लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चा पानी जैसा लेटरिंग कर रहा है तो उसमें डिहाइड्रेशन हो सकते हैं, उस केस में अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेंजर साइन है, बॉडी पे अगर एक्सेसिव रैसेज हो रहे हैं, ठीक है, अगर बॉडी में बहुत सारे एक साथ रैसेज हो रहे हैं तो ये बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है, स्पेशली सर्दियों के समय में अगर आप पुराना कपड़ा पहना रहे हैं बच्चे को। इसलिए बच्चे को हमेशा नया कपड़ा और उसको अच्छे से वॉश करके ही कपड़े पहनाने हैं। आई होप इस वीडियो से बहुत सारे पेरेंट के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।